इस टॉपिक का टाइटल है आईपी सबनेटिंग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ आईपी सबनेटिंग। फिगर्स और जो मटेरियल है इस टॉपिक में हमने लिया है वेंडल उडम्स की बुक विद द टाइटल कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट स्टेप क्लास ए का जो आईपी नेटवर्क है इट कैन कंटेन मोर देन थाउजेंड थाउजेंड एड्रेसेस क्लास बी का जो आईपी नेटवर्क हो सकता है उसमें यूनिक आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं 65,000 और क्लास सी नेटवर्क में कितने होस्ट आप अटैच कर सकते हैं 254 होस्ट अटैच किए जा सकते हैं दिस इज सिंगल लैंड विद मोर देन थाउजेंड डिवाइसेज आर एक्सट्रीमली रेयर तो आजकल जो लैंड है उनमें एक थाउजेंड डिवाइसेज काफी रेयरली है तो अगर आप कोई क्लास ए का नेटवर्क यूज कर रहे हैं क्लास बी यूज कर रहे हैं क्लास सी यूज कर रहे हैं तो मैनी आई पी एड्रेस विल गो अनयूज इफ यू यूज ए क्लास ए क्लास वी क्लास बी नेटवर्क फॉर योर यिज ऑन द लैन तो सब नेटिंग क्या प्रोवाइड करती है एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है टू दिस इशू जहां पर आपके आई पी आई पी एड्रेसेज बहुत सारे जया हो रहे हैं तो सब नेटिंग प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू दिस इशू लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल The problem uh, wasting IP host addresses. Let's assume that a design requires three networks and uses three different class B networks. हमारे पास तीन networks हैं और हर class हर network को क्या चाहिए class class B का network है. Each class B net network कितने host को support करती है? 65,534 IP addresses आप machines को assign कर सकते हैं. अगर आप इस diagram में देखें तो यहां पे तीन नेटवर्क दिखाए गए हैं और ईच नेटवर्क इज ऑफ क्लास बी तो पहला जो नेटवर्क है जिसमें हना एंड मिचल हैं इसमें एड्रेसेस कितने अवेलेबल हैं 65,534 और सिर्फ कितने आईपी एड्रेसेस यूज हो रहे हैं तीन आईपी एड्रेसेस यूज हो रहे हैं एक हना के कंप्यूटर के एक मिचल का कंप्यूटर यूज कर रहा है और ये जो आर वन का जो इंटरफेस है एक वो यूज कर रहा है तो इस नेटवर्क में सिर्फ तीन आईपी एड्रेसेस यूज हो रहे हैं अगर आप मिडल वाला नेटवर्क देखें तो इसमें फोर आई पी एड्रेसेज यूज हो रहे हैं एक आई पी एड्रेस जेसी का कंप्यूटर यूज कर रहा है एक आई पी एड्रेस यूज कर रहा है डीन यूज कर रहा है एक आई पी एड्रेस आर वन का जो राइट हैंड साइड इंटरफेस है वो यूज कर रहा है और एक आई पी एड्रेस इज बीग यूज बाय द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आर टू इंटरफेस राइट अगर आप तीसरा नेटवर्क देखें तो इसमें भी अवेलेबल आई पी एड्रेस कितने हैं सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर आई पी एड्रेसेज आर अवेलेबल लेकिन आउट ऑफ दिस नंबर ओनली थ्री आई पी एड्रेस आर बींग यूज बाय दिस क्लास बी नेटवर्क एक एस एम टी पी सर्वर को दे दिया गया आई पी एड्रेस और एक आई पी एड्रेस जो राइट हैंड साइड पे ऊपर इंटरफेस है आर टू का जो है उसको एक आई पी एड्रेस दे दिया गया है तो पहला जो नेटवर्क है उसका नंबर है वन फिफ्टी पॉइंट वन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जो दूसरा नेटवर्क है उसका नेटवर्क नंबर है 150.2.0.0 जो तीसरा नेटवर्क शो किया गया है इस डायग्राम में उसका नेटवर्क नंबर है 150.3.3.0 सो वी हैव सीन दैट एक क्लास पी का जो नेटवर्क है टन ऑफ आईपी एड्रेसेस आर बीइंग वेस्टेड सो द सॉल्यूशन लाइज इन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग सबनेटिंग सेव्स आई होस्ट एड्रेसेस सबनेट होता क्या है सबनेट इज जस्ट ए सब डिविजन ऑफ ए लार्जर क्लास ए बी और सी नेटवर्क तो एक सब डिविजन होती है उसकी सबनेटिंग किसको रेफर किया जाता है इट इज द प्रोसेस वेयर बाय द नेटवर्क इंजीनियर डिसाइड्स टू क्रिएट सबनेट्स जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं विदाउट सबनेटिंग वो क्या रूल्स हैं? डिवाइसेस इन द सेम क्लास ए क्लास बी और सी द नेटवर्क कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए राउटर डिवाइसेस इन डिफरेंट क्लासेस जो डिवाइसेस एक ही क्लास में हैं उनको आप राउटर के साथ अलदा नहीं कर सकते लेकिन जो डिवाइसेस डिफरेंट क्लासेस में हैं जो डिफरेंट क्लास की जो नेटवर्क हैं उसमें हैं दे आर सेपरेटेड ईच सेपरेटेड बाय राउटर रूल्स विद सबनेटिंग डिवाइसेज इन द सब सेम सबनेट कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय राउटर डिवाइसिस इन डिफरेंट सबनेट्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर बाई ए राउटर तो ये जो रूल सबनेटिंग के लिए है दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रूल्स विदाउट सबनेटिंग सबनेटिंग अलाउस ए नेटवर्क इंजीनियर टू कॉन्फिगर द नेटवर्क डिवाइस ऑफ ए क्लास पी नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल जब भी हमने एग्जाम्पल देखी अगर तो हम एक नेटवर्क उसमें देखते हैं तो वन फिफ्टी पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सच दैट दे कैन थिंक दैट

तो अब इस नेटवर्क में आउट ऑफ 254 फिफ्टी फोर ओनली थ्री आई पी एड्रेसेस आर बींग यूज हना को कौन सा एड्रेस मिला वन फिफ्टी पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन मिचल को क्या मिला वन फिफ्टी पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट टू तो जो सबनेट का नंबर है वो जो आपका वन फिफ्टी डॉट वन डॉट वन ये कॉमन है तो रिमेनिंग बिट्स को क्या असाइन कर दिया हमने जीरोज असाइन कर दिया सो ऑल द एड्रेस लाइंग बिटवीन दिस रेंज 150.1.1.1 एंड ऑल अप फिफ्टी डॉट टू फिफ्टी दे कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट होस इसी तरह अगर आप दूसरा नेटवर्क देखें दूसरा सबनेट में जो एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो है 150.1.2.0 ये सबनेट का नंबर है और एड्रेसेस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं .1 से ऑल अप टू .254 तो पहले जो तीन ऑक्टेट हैं वो कॉमन है और जो आखिरी ऑक्टेट वो अपने होस्ट एड्रेसेस को असाइन कर दिया इस नेटवर्क में 254 में से सिर्फ चार आईपी एड्रेसेस यूज हो रहे हैं जो तीसरा नेटवर्क दिखाया गया है उसमें भी 254 फिफ्टी फोर एड्रेस अवेलेबल बट ओनली थ्री आर बींग यूज इफ यू कंपेयर दिस सब नेटिंग कॉन्सेप्ट प्रीवियस एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन अर्लियर तो आपको आईपी एड्रेसेस की जो सेविंग है वो वाजे तौर पर नजर आ जाती है दिस इंटरनेटवर्क ऑफ थ्री इंटरनेट इथनेट लैंड ओनली यूजेस ए पार्ट ऑफ ए क्लास बी नेटवर्क ए क्लास बी नेटवर्क थी उसके पार्ट यूज किए द सेम इंटरनेटवर्क विदाउट सबनेटिंग फुली यूज थ्री डिफरेंट बी क्लास नेटवर्क वन फिफ्टी डॉट वन डॉट जीरो डॉट जीरो वन फिफ्टी डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो एंड वन फिफ्टी डॉट थ्री डॉट जीरो डॉट जीरो तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि सबनेटिंग से सिर्फ एक क्लास बी नेटवर्क का आपने यूज किया नंबर और उससे तीन डिफरेंट नेटवर्क सबनेट्स क्रिएट कर लिए इस टॉपिक में हम लोगों ने आईपी सबनेटिंग का एडवांटेज देखा कि आईपी एड्रेसेस की को बेटर यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है